गुड मॉर्निंग गुड डेज विद मोहन बेले की तरफ आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ अलीबाग जाने के लिए। अलीबाग में मोहम्मद रफ़ी फैंस ने कुछ ऐसा फेस्टिवल रखा है जो 24 आवर्स हम लोग सिंगिंग करने वाले हैं नॉन स्टॉप। तो हम लोग देखेंगे उसका कार्यक्रम की झलक देखेंगे। आप भी मेरे साथ तो रहेंगे। वाह, मैं तो पूरा गाना रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। तो चलो मिलते हैं, मैं आपको अलीबाग की जर्नी लेके जा रहा हूँ। मेरा एरिया का माहौल कुछ ऐसा ही है। यहाँ से मैं अभी टैक्सी पकड़ के सीधा गेटवे ऑफ इंडिया चला जा रहा हूँ। तो चलो देखते हैं टैक्सी कभी मिलती है। टैक्सी आ रही है, मैं पूछ लेता हूँ उसको गेटवे ऑफ इंडिया आता है क्या। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। चलो तो टैक्सी तो मिल गई है, अभी हम लोग निकले गेटवे ऑफ इंडिया। यह रेसकोर्स का एक सुबह का दृश्य है जो हम रेसकोर्स के पीछे की ओर से महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे हैं। फ्लाईओवर जेजे फ्लाईओवर पकड़ के हम लोग चलेंगे। तो जेजे फ्लाईओवर इज द फास्टेस्ट रूट टू गो टू गेटवे ऑफ इंडिया। तो देखते हैं, नो सिग्नल नथिंग। गेटवे ऑफ इंडिया वो जो जो जेजे फ्लाईओवर ब्रिज है, सबसे इंडिया में बेस्ट ब्रिज बनाया गया है। और इसका बनाते समय इतना ट्रैफिक था और ट्रैफिक में जो काम करना था वो डिफिकल्ट था। तो चलो हम लोग देखेंगे इसका नज़ारा कैसे है, जेजे फ्लाईओवर। तो चलो मिलते हैं आगे आगे। ये आगे ये देखो धोबी घाट, ये है धोबी घाट। खुले में ओपन प्लेस में लॉन्ड्री है जहाँ सैकड़ों धोबी भारी मात्रा में कपड़े धोए और सुखाते हैं। मुंबई दर्शन करने आने वाले फॉरेनर्स के लिए तो ये बहुत ही अट्रैक्शन का पॉइंट है। वहाँ ये बहुत ज़्यादा फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। साउथ बॉम्बे का जेजे फ्लाईओवर ब्रिज यहाँ से स्टार्ट होता है और ये ब्रिज डिफिकल्ट ब्रिज बनाया गैमन इंडिया लिमिटेड ने, जिसका मुझे बहुत गर्व है। जैसे ही फ्लाईओवर खत्म होता है आपको वीटी स्टेशन दिखाई देगा। ये देखो वीटी स्टेशन। अगर आप ट्रेन से आते हो तो आपको क्या करना है, वीटी स्टेशन उतरना है और यहाँ से आपको शेयर टैक्सी मिलती है, न तो ये बस भी मिलती है गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए। तो आप वैसे भी जा सकते हो। वीटी स्टेशन का है और एंट्री गेट पर नंबर 7 लिख रहा है यहाँ, मतलब इसको 7 ग्रेड से भी ज़्यादा गेट है। ये देखो मुंबई GPO जा रही है। यहाँ ये देखो कबूतर खाना, यहाँ का होटल एडवेंचर्स के लिए ग्रैंड आइटेन की। अच्छा लगा मुझे ये स्लोगन, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। एक टॉल बिल्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। यह एशियाटिक लाइब्रेरी, बॉलीवुड की काफी फिल्मों में ये लोकेशन आपको दिखाई देगा। नेवी का एरिया स्टार्ट हो गया है, ये पूरा एरिया नेवी का है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास आ गया, यहाँ से पूरा ताज की बिल्डिंग देख रहे हैं। बेस्ट फाइनेस्ट होटल इन इंडिया। सो गोइंग ऑन अ बोट एलिफेंट शटल।
जो फॉरेनर्स लोग कर रहे हैं यहाँ से बॉम्बे का मेन अट्रैक्शन ये एंट्री है। यहाँ से एंट्री कर सकते हैं जो अभी जेजे पर जाने के लिए, जो अभी इंडिया आ गया है। यहाँ से चेक पोस्ट है और ये है गेट ऑफ इंडिया का नज़ारा। सुबह सुबह का देख लो कितना फ्रेश लगता है यहाँ ना, ये गेट ऑफ इंडिया का नज़ारा है। अभी मैं यहाँ से लॉन्च पकड़ के चला जाऊँगा और आप देख लो मेरे बेस्ट स्पॉट है फॉर स्कूल पिकनिक। स्कूल पिकनिक के लिए जाते हैं सब। अभी यहाँ से हम लोग लॉन्च पकड़ेंगे और हो जाएगी सीधा मांडवा। अजंता सर्विस की 150 बस है और नॉन एसी और एसी है। एसी कितनी है? 50 है, वो 10:15 बजे। 10:15 बजे, अच्छा अच्छा, ठीक है। यहीं से लॉन्च पकड़ लेंगे 150 रुपीज़ देख लीजिए। चलो तो हमारे साथ जाते हैं अलीबाग जाना है ना, तो इससे भी जल्दी सुबह आना चाहिए। सुबह का जो सूरज के समय जो नज़ारा दिखता है ना, वो खास है। ये स्पीड बोट है, देखने का ब्यूटी है ना यहीं से लंबे से ताज का जो व्यू दिखता है समुंदर के बीच में जहाज खड़ा है ऐसे लगता है। ये देखो अरे मच्छी कैसे किधर से पकड़ा, समुंदर से कि मार्केट से लिया? अच्छा वाह, मुंबई का नज़ारा देख लो, ब्यूटीफुल स्काईलाइन। एक बिल्डिंग से टॉल, हर एक बिल्डिंग के फ्लैट से शायद ये सब लोग। मांडवा बंदर आ गए हम लोग, यहाँ से रिक्शा पकड़ के चलो। ये है मांडवा।
समारोह में आपका सर्ष स्वागत है। चलो ऐसे चले जाएंगे वहां तक। स्वागत कर रहे हैं आपले सर्ष स्वागत करीत आहे। चला कश्मीरा द बे मांडवा पो एक मिनट। थैंक यू वड़ा पाव। एक चाय वड़ा पाव खाएगा। सुंदर है, सुंदर है ना। एक क्या ना वड़ा पाव देना। फ्रेश बनाता थे मांडवा जी। उतरते ही आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा यहाँ। आप यहाँ का वड़ा पाव ट्राई कर लीजिए। बेस्ट वड़ा पाव है, एकदम गरम गरम बना रहे। दादा कसा वाटला वडापाव? छान आहे। बेस्ट आहे। ती मांडवा कॅफे आहे। इथे उतरला ना तुम्ही, पहिला वडापाव आणि एक चहा घ्या। मस्त टेस्ट लागणार इथे। आणि बाजूला बँक ऑफ इंडियाचं ATM काउंटर आहे। इथे सर्व अजंता, अपोलो, कॅटामारीन, मालदार, PNP ची बुकिंग केली जाते। हे सर्व ऑफिसेस आणि यांचे रेट लिहिले आहेत। अजंता 150 आहे मिनिमम, मालदारचे 180 आहे आणि PNPचे ते AC तिकीट्स आहे। ते किती दिवसाचं असेल ते तुम्हाला इकडनं दिसणार। हे PNPचे तिकीट्स रेट्स आहेत। ह्या सुटण्याच्या टायमिंग दिलेलं आहे। मालदारची, मालदार कॅटामॅरिनची डेली टायमिंग आहे। मॉर्निंगला 8:30 सुटते। गेट ऑफ इथे मालदारला 10:45-11 हे टायमिंग आहे। अजंता आणि हा PNPचा टायमिंग आहे। PNP इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स वेगवेगळे टायमिंग्स आहेत तिथे। अमराई फार्म, अमराई फार्म दो अमराई है। अभी एक मिनट। हाँ 300। हाँ सुधीर पुराव तुम्हारा? सुधीर पुराव रिक्शा वरुण 150 घेतलेले आहेत इथून। भाऊ स्टँडर्ड रेट आहे का? 150। राजेश हे घ्या, माझे मित्र आले। फोन दिले गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार। कसे राजा? आपण मोहन बिले। मोहन बिले
साहेब भेटतो राजेश कसं चाललंय टाइमवरती आलोय सगळेजण विचारतात तुम्हाला थर्ड फ्रेंड आहे की दर आपल्याला चौघांना सात नंबर रूम दिली चौघा दाखवून द्या ना चौघा कोण आहे आणि लगेच पोहे खा पोहे आणि झालं मी रेडीच आहे आता तुम्ही आधी नाश्ता घ्या तुम्हाला नाश्ता करायचं पहिला नाश्ता घेऊया ना पहिल्या रूम मध्ये सामान ठेवून देऊया तुम्ही पण गाणार आहे ना नाही प्रेक्षक म्हणून आपल्या सारखे मी गातो पण मी ह्यांच्याकडून अरेंजमेंट छान आहे ना अशी ओपन प्लेस मध्ये अशी दिसायला स्विमिंग पूल पण आहे आणि एका रूम मध्ये किती ठेवले आहेत चार जण तुम्ही मी राजेश आणि ओके टू हा आपला रूम आहे आणि साहेब आपलं नाव मी विस्फोट राजा मला राजा 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 हा चला हा असा रूम आहे सा पहिल्यांदाच बघतोय इथे एंट्री करताना असा रूम दिसतोय लाईट लावून दे नाही नाही उलटा लागला असेल हा करेक्ट परफेक्ट चांगला आहे पण चार माणसं झोपणार कशी ह्याच्यावर नाही नाही बरोबर आहे बरोबर आहे चला बघ हा बेड आहे असा आणि इथे दोन पलंग्स आहेत इथे आणि हा इथे एसी आहे फर्स्ट क्लास पैकी कुछ प्रॉब्लेम नाही मस्त आहे एसी रूम छान आहे चलो गरमागरम पोहे आलेले आहेत आणि हे काय चटणी आहेत का लोणचं चटणी लोणचं थोडस ठेवा ना बाजूला असं टेस्ट साठी थोडस थोडं थोडं दोन्ही थोडं थोडं शूट करतोय बस 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 थोडं चवीसाठी जेवण पण इकडेच असणार का आजचा काय मेन्यू आहे नॉनव्हेज अलिबागला येऊन कोण व्हेज खाणार फिश असेल कुठला आहे सुरमय अरे वा थँक्यू प्रॉन्स करी सुरमय आज की हमारी आवाज प्रजिता पेंटकर जी आपने सुना होगा साथियों आइए ये सिलसिला शुरू करते हैं रफी साहब की बहुत ही फेमस भजन कहिए कवाली कहिए शिरडी के साई बाबा फिल्म से त्याच्या गाण्याचे प्रिपरेशन करतोय आणि प्रत्येक गाण्याच्या अगोदर त्याला ना प्रस्तावना द्यावी लागते आणि तो थोडासा आता रिव्हिजन करतोय तर राजेश कसं वाटतंय तुला आता इथे मस्त सुंदर वातावरण आहे आणि तुम्ही लोक सगळे आलात मी धन्य झालो थँक्यू अरे आमचं पण आम्हाला पण त्याच्यापासून आनंद मिळतोय एवढे तुम्ही माझ्यासाठी आलात खास माझी गाणी ऐकण्यासाठी अजून काय पाहिजे देवाने मला भरपूर दिले थँक्यू थँक्यू पास तू किन पास तू मैं गरीब था तू बड़ा नहीं कान्हा जी ये करेंगे उनका स्वागत करेंगे बोलो अंबे माते की
गणपति बप्पा। आइए ऐसे जेपी काका जी का स्वागत करने के लिए मैं यहाँ पर बुलाने जा रहा हूँ हमारे दोस्त अन्याय निवारण के मुंबई सचिव और एसीओ और मुख्य ये स्वीस सहाय आमदार संजय पोतनी साहब के, उनके हाथों से उनका यहाँ पर स्वागत और सम्मान। यहाँ पर युगल जी, युगल प्लीज। पीछे रूम है तो हम लोग चले रूम जाते हैं और रूम की शायर करते हैं। चलो ये सर रूम से, ये बड़ा विंडो है, ये रूम है, चलो रूम के अंदर चलते हैं। ये सर रूम से सुंदरपैकी आमरा, या रिअली आमराईचा हे म्हणतात ना तसा एकदम कच्चा आंब्याची झाड आहेत, एक दोन तीन नाही कितीतरी आंब्याची झाड आहेत, एक दोन तीन असे मोजू शकत नाही एवढी आंब्याची झाड आहेत। आप देख रहे हो यहाँ से लंबा लंबा तक देखो, सब पूरी मैंगो ट्रीज से भरा है, इसलिए रियली इसका नाम ही आमराई पामरा का है। एक आजू बाजू का माहौल ऐसे है, ये देखो ये आजू बाजू का माहौल ऐसे है। और आज सुबह के 11 बज गए हैं और कल 11 बजे चालू हुआ प्रोग्राम, जो म्यूजिकल प्रोग्राम था नॉन स्टॉप रफ़ी के गाने, अभी ख़त्म हो गया। थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ इसलिए ये झूले पे बैठा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। मैं तो पूरी गाने रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कॉपीराइट का स्ट्राइक आने का बहुत डर था, तो बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हो गया। और दूसरी बात है कि अभी अभी जो वीडियो एडिटिंग के समय मुझे पता चला कि इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड ने ये अचीवमेंट रिकग्नाइज किया है और मुझे गर्व है कि मैं इसका विटनेस था। धन्यवाद। मैं बाकी लोगों की क्षमा चाहता हूं जिनके गाने मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं। नेक्स्ट टाइम श्योर। धन्यवाद।